आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप थोड़ा बहुत बोर फेल हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप जरूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है। तकरीबन 2 घंटे की ये मूवी है। सवाल ये आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है। मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको यूट्यूब को पैसा देना पड़ेगा फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट से जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिशन अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने। वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी की दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है। इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी की बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आप्या मिलती है जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आप्या को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो
ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं। तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज़ फ्लॉप भी रही है और काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज़ भी इन्हों में से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे कोई डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी किए होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है, तकरीबन 2 घंटे की यह मूवी है। सवाल यह आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है, मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको यूट्यूब को पैसा देना पड़ेगा फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिशन अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने, वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज़ बनाई हुई है।
जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज वो दे चुके हैं और इन्हें काफी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी के दोस्तों कहानी काफी सिंपल रहने वाली है। इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी के बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है, जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आपिया मिलती है, जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आपिया को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर, जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो, ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं। तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज फ्लॉप भी रही है, काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज भी इन्होंने से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे कोई डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी किए होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है
उस हिसाब से आप जरूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है। तकरीबन 2 घंटे की यह मूवी है। सवाल यह आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी? दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है। मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको यूट्यूब को पैसा देना पड़ेगा, फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDb है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जीशान अय्यूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने। वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी की दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है। इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी की बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आप्या मिलती है जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आप्या को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ दी हुई है पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं। तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज़ फ्लॉप भी रही है और काफ़ी सारी हिट भी रही है तो ये मूवीज़ भी इन्होंने से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे कोई डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफटाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स बिके होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है, तकरीबन 2 घंटे की ये मूवी है। सवाल ये आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है, मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको YouTube को पैसा देना पड़ेगा फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जीशान अय्यूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का दोस्तों जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने, वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी के दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है, इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी की बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आप्या मिलती है जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आप्या को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा।
इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है, और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो, ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं। तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज फ्लॉप भी रही है और काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज़ भी इन्होंने से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे कोई डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को YouTube पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था, और लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी किए होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है, तकरीबन 2 घंटे की यह मूवी है। सवाल यह आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है, मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको YouTube को पैसा देना पड़ेगा फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा Netflix पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहां से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDb है वहां पर 10 out of 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ,
मोहम्मद जिसन अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने। वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी की दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है। इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी की बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आपिया मिलती है जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आपिया को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं। तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज़ फ्लॉप भी रही है और काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज़ भी इन्होंने से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे कोई डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को YouTube पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी किए होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी
एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है, उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है। तकरीबन 2 घंटे की यह मूवी है। सवाल यह आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर, तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी? दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है, पर रेंट पर अवेलेबल है। मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको यूट्यूब को पैसा देना पड़ेगा, फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिशान अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने। वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी की दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है। इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी के बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आपिया मिलती है जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आपिया को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो, ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों, हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं,
तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज फ्लॉप भी रही है, काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज भी इन्हों में से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे कोई डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफटाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स बिके होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है, तकरीबन 2 घंटे की ये मूवी है। सवाल ये आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है, मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको यूट्यूब को पैसा देना पड़ेगा फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स हैं जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिशन अय्यूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने, वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी के दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है, इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी।
कहानी की बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है, जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आपिया मिलती है, जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आपिया को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर, जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है, और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो, ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं। तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज फ्लॉप भी रही है और काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज भी इन्हों में से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे कोई डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहां पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था, और लाइफटाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी के होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है, तकरीबन 2 घंटे की ये मूवी है। सवाल ये आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है,
मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको YouTube को पैसा देना पड़ेगा, फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स हैं जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिशान अय्यूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने, वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज़ बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज़ वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी की दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है, इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी की बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आपिया मिलती है जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आपिया को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं, तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज़ फ्लॉप भी रही है और काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज़ भी इन्होंने से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे को डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को YouTube पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों
जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी के होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है, तकरीबन 2 घंटे की यह मूवी है। सवाल यह आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है, मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको यूट्यूब को पैसा देना पड़ेगा फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहां से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहां पर 10 out of 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिसन अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने, वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज़ बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज़ वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी की दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है, इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी के बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आपिया मिलती है जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आपिया को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर
और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो, ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं, तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज फ्लॉप भी रही है और काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज भी इन्होंने से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे कोई डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो काफ़ी रेट से हटी जाएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को YouTube पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी के होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है, तकरीबन 2 घंटे की यह मूवी है। सवाल यह आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है, मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको YouTube को पैसा देना पड़ेगा फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा Netflix पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहां से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहां पर 10 out of 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिशान अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है।
मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने। वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज बनाई हुई है, जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी के दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है। इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी के बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है, जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आप्या मिलती है, जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आप्या को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर, जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो, ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं। तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज फ्लॉप भी रही है और काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज भी इन्होंने से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे को डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफटाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी किए होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक
ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है, तकरीबन 2 घंटे की यह मूवी है। सवाल यह आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है, मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको यूट्यूब को पैसा देना पड़ेगा फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिशन अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने, वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी की दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है, इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी के बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आपिया मिलती है जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आपिया को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज दी हुई है पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं, तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज फ्लॉप भी रही है और काफ़ी सारी हिट भी रही है तो ये मूवीज भी इन्होंने से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे को डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो काफ़ी रेट से हटी जाएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को
देखने को मिल जाएंगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी के होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है पर हाँ, इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है। तकरीबन 2 घंटे की यह मूवी है। सवाल यह आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है। मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको यूट्यूब को पैसा देना पड़ेगा फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिसन अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने। वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज़ बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज़ वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी के दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है, इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी के बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आपिया मिलती है जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आपिया को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है
उस डांस कंपटीशन की खातिर जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है, और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो, ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं। तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज फ्लॉप भी रही है और काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज भी इन्होंने से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे कोई डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था, और लाइफटाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी के होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है, तकरीबन 2 घंटे की यह मूवी है। सवाल ये आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है, मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको यूट्यूब को पैसा देना पड़ेगा फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है,
आप इसे एक बार तो जरूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिशन अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने। वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी की दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है। इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी के बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आपिया मिलती है जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आपिया को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं, तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज फ्लॉप भी रही है और काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज भी इन्होंने से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे कोई डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो काफ़ी रेट से हटी जाएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को YouTube पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूँगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बार भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी के होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी,
क्या इस मूवी की स्टोरी रहेगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था और इस मूवी को यूए सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है, उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है। तकरीबन 2 घंटे की यह मूवी है। सवाल यह आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है, पर रेंट पर अवेलेबल है। मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको YouTube को पैसा देना पड़ेगा, फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा Netflix पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहां से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDb है वहां पर 10 out of 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिशन अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने। वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी की दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है। इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी की बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आपिया मिलती है जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आपिया को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है, यह जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो, ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है,
और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं। तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज फ्लॉप भी रही है और काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज भी इन्हों में से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे कोई डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफटाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी किए होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है, तकरीबन 2 घंटे की ये मूवी है। सवाल ये आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है, मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको यूट्यूब को पैसा देना पड़ेगा फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिशन अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने, वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है,
और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी के दोस्तों कहानी काफी सिंपल रहने वाली है। इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी के बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है, जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आफिया मिलती है, जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आफिया को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर, जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है, और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो, ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं। तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज फ्लॉप भी रही है और काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज भी इन्होंने से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे कोई डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती है या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था, और लाइफटाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था उस सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी किए होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है, तकरीबन 2 घंटे की यह मूवी है।
सवाल ये आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है। मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको यूट्यूब को पैसा देना पड़ेगा, फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिशन अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने, वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी के दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है, इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी के बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आपिया मिलती है जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आपिया को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज दी हुई है पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं, तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज फ्लॉप भी रही है और काफ़ी सारी हिट भी रही है तो ये मूवीज भी इन्होंने से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे को डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को YouTube पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूँगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है।
तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज किया गया था, जहां से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी किए होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है, तकरीबन 2 घंटे की यह मूवी है। सवाल यह आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है, मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको यूट्यूब को पैसा देना पड़ेगा फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिशन अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने, वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज वो दे चुके हैं, और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी की दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है, इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी के बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आपिया मिलती है जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है, और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आपिया को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम
अलग ही है। और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो, ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं। तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज फ्लॉप भी रही है और काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज भी इन्होंने से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे को डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को YouTube पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी किए होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है। तकरीबन 2 घंटे की यह मूवी है। सवाल यह आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है। मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको YouTube को पैसा देना पड़ेगा फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिशन अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें
तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने। वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज़ बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज़ वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी के दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है। इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी के बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आपिया मिलती है जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आपिया को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो, ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ दी हुई है पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं। तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज़ फ्लॉप भी रही है, काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज़ भी इन्होंने से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे कोई डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को YouTube पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बार भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था उस सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी के होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे
ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है, उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है। तकरीबन 2 घंटे की ये मूवी है। सवाल ये आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर, तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी? दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है, पर रेंट पर अवेलेबल है। मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको यूट्यूब को पैसा देना पड़ेगा, फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDb है वहाँ पर 10 out of 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिशन अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय देओल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें, तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने। वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज बनाई हुई है, जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज वो दे चुके हैं, और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी के दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है। इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी के बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है, जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आप्या मिलती है, जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आप्या को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर, जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है, और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो, ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है, और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों, हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं, तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज फ्लॉप भी रही है, काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज भी इन्होंने से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे कोई डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं
तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहां पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती है नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफटाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी किए होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है पर हाँ, इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है, तकरीबन 2 घंटे की ये मूवी है। सवाल ये आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है, मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको यूट्यूब को पैसा देना पड़ेगा फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिशन अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने, वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज़ बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज़ वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी के दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है, इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी के बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आपिया मिलती है जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हीलचेयर पर चलती है।
बहुआ और आप्या को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर, जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है, और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो, ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं। तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज़ फ्लॉप भी रही है और काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज़ भी इन्हों में से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे को डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को YouTube पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बाहर भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी किए होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आप आ चुके हो। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी रहेंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी एक कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। जीरो मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को US सेंसर किया गया है। आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, पर हाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप थोड़ा बहुत बोर फील हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल बोर ना कराए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से मूवी को बनाया गया है उस हिसाब से आप ज़रूर कहीं ना कहीं बोर हो ही जाएंगे। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप लोग इस मूवी को खुद देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी। मूवी के अंदर ड्रामा और रोमांस भरपूर देखने को मिलता है, तकरीबन 2 घंटे की यह मूवी है। सवाल यह आता है कि हमें इस मूवी को देखना है यूट्यूब पर तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है, मतलब कि इस मूवी को देखना है तो आपको YouTube को पैसा देना पड़ेगा फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और भी ऐसी बहुत सारी अनऑफिशियल साइट्स है जहां से आप इसे देख सकते हैं। आगे इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो जो IMDB है वहां पर 10 आउट ऑफ 5.2 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है
और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है, आप इसे एक बार तो ज़रूर देखिए। इस मूवी के जो लीड कास्ट है उसके अंदर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, मोहम्मद जिशान अयूब, सलमान खान यहाँ पर कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभय डियोल, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण और भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर है जो कि आपको कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो मूवी का 200 जो बजट था वो तकरीबन 200 करोड़ का दिखाया जा रहा है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग इतना ही हुआ है। मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था आनंद एल राय ने। वैसे तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ शानदार मूवीज बनाई हुई है जैसे कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज वो दे चुके हैं और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। चलिए अब हम इस मूवी का रिव्यू करते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और हमें इस मूवी में क्या खास देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस मूवी की दोस्तों कहानी काफ़ी सिंपल रहने वाली है। इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी कहानी देखने को मिल जाएगी। कहानी के बात करें तो ये मेरठ के 28 साल के बौने बहुआ सिंह की कहानी है जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। इस दौरान उसे मैट्रिमोनियम सर्विस की मदद से एक फिजिकली चैलेंज लड़की आपिया मिलती है जो नासा की अंतरिक्ष विज्ञानी है और व्हील चेयर पर चलती है। बहुआ और आपिया को प्यार हो जाता है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन बहुआ शादी के दिन भाग जाती है उस डांस कंपटीशन की खातिर जिसके जीतने पर उसे सुपरस्टार बबीता कुमारी यानी कि कटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट आते हैं। मेरठ का बहुआ सिंह कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या वो मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इस मूवी की जो कहानी है वो एकदम अलग ही है और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हैं, लगभग वन टाइम वॉचेबल मूवी आप कह सकते हैं। और इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, आप इस मूवी को देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म है जीरो ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, पर हाँ इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी। आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ दी हुई है, पर ये जो मूवी थे उनको कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोइन रहते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है तो वो मूवी कर लेते हैं, तो इसी तरह से जीरो मूवी भी शायद इन्होंने की होगी। शाहरुख खान के जीवन में काफ़ी सारी मूवीज़ फ्लॉप भी रही है, काफ़ी सारी हिट भी रही है, तो ये मूवीज़ भी इन्होंने से एक बनी है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पर तो उपलब्ध नहीं है और यूट्यूब पर इसे कोई डाल भी नहीं सकता है। अगर ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर आई भी तो कॉपीराइट से हटी जाएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप रेंट पर लेकर देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। भाई आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको पसंद आती या नहीं आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो भी शायद आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इस मूवी को YouTube पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को ज़रूर जानकारी दे दूंगा। इस मूवी का जो पहला दिन का कलेक्शन था हिंदी में वो 20 करोड़ का हुआ था और लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 90 करोड़ का है। तो इस मूवी को बार भी रिलीज़ किया गया था जहाँ से लगभग 85 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, तो इस तरह से ये मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस मूवी को दोस्तों जो था वो सोल्ड आउट किया होगा, काफ़ी सारे राइट्स भी किए होंगे, तो ये सब कुछ मिला ले तो मूवी एक तरह से फ्लॉप नहीं होती है, ये एक हिट मूवी हो जाती है।